नमस्कार, अगर आप भी अपने जेड प्लांट से इस तरह की टोपियारी बनाना चाहते हैं तो आपको अपने जेड प्लांट के साथ सिर्फ एक काम करना होगा। तो वो कौन सा काम है, इस वीडियो में आज मैं यही बताऊंगी। एक बहुत ही सिंपल और इजी तरीका है जिससे आप इतनी सुंदर सी टोपियारी बनाना चाहते हैं, और हमें कुछ भी नहीं करना है। जो भी आज हम इस वीडियो में देखेंगे, बिल्कुल ईजी मैथड से हम इसको बनाएंगे। मैं कल्पना भार्गव, वेलकम टू कला क्रिएशंस। अब इस तरह के जेड प्लांट आपके पास भी जरूर होंगे, क्योंकि जब भी हम जेड प्लांट की कटिंग करते हैं तो हम इसे कहीं भी, किसी भी, कोई भी मिट्टी की कुंडी है या गमले में, हम कहीं भी इस तरह लगा देते हैं। तो इस तरह लगाने से इस तरह रूट्स आ जाती हैं, जो नीचे इस तरह लेगी लेगी सा लटकता हुआ सा होता है। क्योंकि जब तक हम इसको हेल्दी बनाना है, इस जैसा ये प्लांट आपको दिख रहा है, इसको हेल्दी बनाने के लिए हमें जेड प्लांट के साथ जो काम करना है वो ये है कि सबसे पहले तो हम इसकी जो स्टेम है इसको मोटा करने के लिए, और इतना बुशी बने इसके लिए हमें सिर्फ ये करना है कि हमें इस प्लांट्स की जो छोटी छोटी ब्रांचेस होती हैं, जो मोटी स्टेम्स के साथ जो निकलती हैं, उसको हमेशा हमें कटिंग करते रहना चाहिए। और अगर आपको लग रहा है कि जब ये पूरा जैसे भर गया है जहाँ पर आपने कटिंग लगाई है, तो इनको हमें सेपरेट भी करना ज़रूरी है, ताकि जो भी इनका अलग अलग से इनको हम खाना पीना देते रहें और ये प्लांट अपना हेल्दी होता रहे। अब देखिए, इसके अंदर बहुत सारे प्लांट्स निकलेंगे, करीब 3-4 प्लांट्स तो इसमें निकलेंगे, और इन प्लांट्स को हम अलग अलग करके लगा लेंगे। अब इस तरह की टोपियारी बनाने के लिए हमें एक मोटी टहनी वाला हमने ये प्लांट लिया है, और अब हम इसके जो भी रूट्स हैं, बड़ी बड़ी रूट्स हैं, उसको हम कटिंग भी कर देंगे। क्योंकि जब भी हम जेड प्लांट की रिपोर्टिंग करते हैं या हम लगाते हैं, तो हमेशा आप याद रखिए, जब भी आप इसकी चेंज करें मिट्टी या कुछ भी, तो इनकी रूट्स हमेशा काटते रहिए। और अभी तो ये छोटा हम इसकी टोपियारी बना रहे हैं, तो इसे आप छोटे पॉट में ही लगाइए, फिर धीरे धीरे आप इसको बड़ा पॉट इसमें चेंज कर सकते हैं। अब हम देखें, इस तरह जो हम इसको पकड़ लेंगे और हम जो भी छोटी छोटी ब्रांचेज हैं इसकी हम कटिंग करते रहेंगे, क्योंकि इस प्लांट को जब हम लगा रहे हैं तो इसको हेल्दी बनाने के लिए इसकी जो नीचे की ब्रांचेस हैं उसे सबको हमें हटाना होगा, तभी जाके ये इसकी स्टेम मोटी होगी और ऊपर इसमें पत्ती आएंगी। अब इसे आप कोई भी मोटा धागा या प्लास्टिक की रस्सी या जो एक कॉपर वायर आता है सॉफ्ट वाला, उससे भी हम इसको बांध सकते हैं। अब वैसे भी फरवरी से जेड प्लांट का ग्रोइंग सीज़न स्टार्ट हो गया है, क्योंकि सर्दी में इसमें ज़्यादा पत्तियां नहीं आती और इसका थोड़ी बढ़ने वाली जो ग्रोइंग टाइम होता है वो कम हो जाता है, इसलिए अब इसका अच्छा टाइम है। तो आप इसको अच्छे से कोई भी कटिंग लगाइए या जो भी टोपियारी आप बनाना चाहते हैं आप बना सकते हैं। अब इसमें जो हमने लकड़ी लगाई है इसको हमें सपोर्ट देने के लिए, वैसे तो इसकी जो छोटी ब्रांचेस जब हम हटा देते हैं तो ये अपने आप हल्का हो जाता है नीचे से, तो ये खड़ा हो जाएगा प्लांट, लेकिन फिर भी आप इसको लकड़ी लगा के सपोर्ट दे देंगे तो इसके लिए अच्छा होगा और बहुत जल्दी से ये सीधा हो जाएगा। अब हम इसमें एक बार पानी भी डाल देंगे, क्योंकि इसमें जो रूट्स हिली थी इसकी वापस सेट हो जाए, इसके लिए हम थोड़ा पानी डालेंगे। और हम ये रॉक लगाएंगे ताकि जो भी थोड़ा सा ये गिरने वाली स्थिति में होगा तो वो नहीं गिरेगा प्लांट, और अपना पत्थर से इसको अच्छा सपोर्ट मिल जाएगा। ये मैंने एक और इस तरह की टोपियारी मैंने बनाई थी थोड़े दिन पहले। बस अब आपको ये ध्यान रखना है कि हमें इसमें जो ये लकड़ी लगाई है, थोड़े टाइम बाद आप इसको, एक आध महीने बाद इसको आप हटा सकते हैं, आपको खुद को लगेगा कि ये प्लांट सीधा हो गया है, पत्थर भी हटा सकते हैं और लकड़ी भी हटा सकते हैं। अब इस तरह का हमारा बुशी प्लांट हो जाए, तो देखिए मैंने तो जब ये बनाया था तो इसको सिर्फ एक टहनी से, स्टेम से कटिंग लाके ही लगाया था, और इसमें रूट्स तो बाद में आई हैं, और ये इतना पुराना, मतलब ये 10 साल से भी ज़्यादा का ये मेरा प्लांट की टोपियारी बनाई हुई है। तो अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और कला क्रिएशन को सब्सक्राइब कर दीजिएगा।